अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर व्हील। आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। गाड़ी का नाम है हवाल जूलियर एचीवी। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 1.5 सिंपल और एक 1.5 हाइब्रिड। तो आज रिव्यू स्टार्ट है। थैंक यू टू हवाल क्वींस मोटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक में जो सबसे मेन डिफरेंस आया वो इसकी लाइट का है, जो कि अब एक सिक्वेंशियल इंडिकेटर और एक DRL की लुक में आई है। और साथ इसके अंदर एक पूरा DRL का फ्रेम सा बना हुआ है और तीन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं। फ्रंट ग्रिल में आए तो वो प्लास्टिक की है और वो गैलेक्सी ग्रिल है और उसमें हवाल की बैजिंग आ जाती है। साइड की बात करें तो सबसे पहले इसके अलॉय रिम पे है, तो अलॉय रिम भी डिफरेंट कर दिया गया और बड़े खूबसूरत कर दिया गया। और 18 इंच का अलॉय रिम आता है और साथ में कुमो का व्हील आता है। यहाँ पे AGV की बैजिंग आती है और साइड में मिरर की बात करें तो वो रिट्रैक्टेबल है, उनके अंदर इंडिकेटर आता है और वो एडजस्टेबल भी, और उसके साइड में 360 का कैमरा आता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो उसके अंदर सेंटर हैंड लॉकिंग आती है और साथ में वो बॉडी कलर है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलती है और साइड में इसके विंडो की आपको क्रोम की स्ट्रिप्स मिल जाती है। इसके बैक पे है तो बैक पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसके बम्पर का आया है, जो बम्पर का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया। और इसकी बैक लाइट पे है तो वो लावा लैंप आता है और नीचे इसका रिफ्लेक्टर और इसका रिवर्स लाइट आती है। इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, यहाँ पे हवाल की बैजिंग आ जाती है, विंडशील्ड वाइपर आता है, हाई माउंटेड ब्रेक रूम आता है, ऊपर शार्पिंग एंटीना आता है। इसके बूट पे है तो इसके अंदर ऑटो बूट नहीं आता और स्पेस अच्छी है। नीचे आपको जो है टूल किट मिलती है, स्पेयर नहीं मिलता। इंजन पे है तो 1500cc हाइब्रिड इंजन आता है, जो 190 हॉर्स पावर और 375 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके बोनट में नॉइज़ इंसुलेशन भी आती है। आगे भी इसके इंटीरियर में चलते हैं। इसके इंटीरियर में आए तो बहुत खूबसूरत इसका इंटीरियर है, कैमल ब्राउन कलर का इंटीरियर और साथ में आपको गोल्डन और सिल्वर की फिनिश मिलेगी। इसके इंटीरियर की कलर्स की बात करें तो इसके अंदर एक ब्लैक आता है, एक ये जो कैमल ब्राउन है ये आता है और एक मेहरून आता है। सबसे पहले अब इसके डोर पे आए तो यहाँ पे लोकल लॉक की ऑप्शन आती है, यहाँ पे ट्यूटर आता है, यहाँ पे इसका डोर लैस जो है वो सिल्वर कलर में आता है और ऊपर आपको गोल्डन की फिनिश और एक पैटर्न बना हुआ मिलेगा। इसके सेंटर पे आए यहाँ पे तो इसके अंदर चारों विंडी पावर और ऑटो है। यहाँ पे इसके साइड मिरर की सेटिंग आती है, नीचे आपको एक स्पीकर मिलता है और एक कप होल्डर और फाइल होल्डर मिलता है। यहाँ पे है तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, हील असिस्ट आता है और लाइट की इल्यूमिनेशन आती है और मीटर की इल्यूमिनेशन आती है। इसके स्टेयरिंग पे आया तो इसका स्टेयरिंग ब्राउन कलर में स्टिच हुआ हुआ है, साथ में यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे इसकी मीडिया सेटिंग आती है, साथ में ब्रॉन्ज कलर में इसकी ये लाइनिंग आ जाती है, यहाँ पे हवाल की बैजिंग आ जाती है। इसके मीटर पे आए तो मीटर पे यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको स्पीड, यहाँ पे RPM, यहाँ पे हीट गेज मिलती है और सारी इसको इन्फॉर्मेशन इसके मीटर में है। अब इसके सेंटर पे आए तो इसके सेंटर में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों है और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और इसके AC कंट्रोल्स भी इसी में है। साथ में यहाँ पे आपको इसके बटन से भी आप इसके AC कंट्रोल्स कर सकते हैं और यहाँ पे इसके 360 व्यू का बटन आता है और इसका 360 व्यू भी अच्छा है। सेंटर में आपको दो AC वेंट्स और हैजर्ड्स का बटन मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है, यहाँ पे आपको पैटर्न और उसी तरह ब्राउनिश आपको लाइनिंग मिलती है। यहाँ पे इसका डायल सा बना हुआ आपको गियरबॉक्स मिलता है, 2-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स आता है, यहाँ पे ऑटो हैंड ब्रेक आती है और यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन आता है, यहाँ पे दो कप होल्डर आते हैं और सेंटर में आर्मरेस्ट आता है जिसके अंदर अच्छी स्पेस है। इसके अंदर आपको हेडसअप डिस्प्ले भी मिलता है और साथ में इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट भी मिलता है। यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स की तरफ आए तो उसके अंदर भी अच्छी स्पेस है और ये पूरा एक पैटर्न बना हुआ वहाँ तक जा रहा है। सेंटर में आपको फॉर्म पैडिंग और स्टिचिंग मिलेगी कैमल ब्राउन कलर में। इसके शेड्स के अंदर आए तो उसके अंदर आपको मिरर मिलते हैं और साथ में दो लाइट्स मिलती है, सेंटर में भी आपको लाइट्स मिलती है LED और गॉगल्स होल्डर मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको इसका सनरूफ के कंट्रोल मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ आता है और इसके पैसेंजर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर और दो लाइट्स मिलती है। सेंटर में आपको इसके ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है और इसके कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट भी अच्छा है, साथ की जो सीट्स है वो ऑटो एडजस्टेबल है। अब हम इसके बैक पे चले तो हेड स्पेस तो अच्छी है, जो कि क्रॉस ओवर है, साथ में लेग स्पेस भी अच्छी है। ऊपर आपको इसका पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, आमने से पीछे आपको
दो एसी वेंट्स मिलेंगे, दो चार्जिंग सॉकेट्स मिलेंगे और इसके जो ग्रैब हैंडल है उसके साइड पे आपको एलईडी लाइट्स मिलेगी। पीछे आपको तीन हेडरेस्ट मिलेंगे, आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर दो कप होल्डर है और तीन सीट बेल्ट्स मिलेगी। और इसके डोर पे है तो डोर लैश का सिल्वर में आता है, पावर विंडो का बटन मिलता है और साथ में आपको हवाल की बैजिंग के साथ एक स्पीकर मिलता है और साथ में एक कप होल्डर मिलता है।